कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के बाद से देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। शनिवार से इतवार तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्ट्राइक कॉल की है और पीजीआई चंडीगढ़ के रेजिडेंट जो डॉक्टर हैं वो इस समय पीजीआई चंडीगढ़ से सेक्टर 17 तक मार्च कर रहे हैं। हाथों में बैनर है, ये रेजिडेंट डॉक्टर है जो स्टूडेंट है जो जाके मरीजों को देखते हैं, ड्यूटीज दिन रात इनकी होती है, बैनर इनके हाथ में। ये कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं और जस्टिस की मांग है। हालांकि मामला सीबीआई को दिया गया है और केंद्र ने भी एक कानून की बनाने की बात की है जिसमें 6 घंटे के अंदर हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ अगर कोई मारपीट होती है या मामला होता है तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर होगी। लेकिन असली मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन सीपीए को लेकर ये मांग कर रहे हैं और बात करेंगे डॉक्टर से, क्या बात क्या है, मसला क्या है। आप सीपीए को लेकर जो 2017 से मसला चल रहा है, अब लगता है कि ये मांग मानी जाएगी या क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है कि सीपीए इम्प्लीमेंट करना चाहिए है, दैट इज व्हाई वी आर ऑन द रोड, वी आर प्रोटेस्टिंग डेली फॉर इट, वी वांट अस टू बी हर्ड, इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनी प्लेस वर्किंग एट अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, भी इन रनिंग एम्बुलेंस उसके अंदर जो लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए एक एक नर्सिंग स्टाफ टेक्नीशियन सिक्योरिटी सबके लिए हम लोग का ये आवाज है, सीपीए की मांग सुननी चाहिए है, इसी उम्मीद से हम रोड पे आ रहे हैं। बिल्कुल रोड पे हैं, सीपीए की डिमांड है क्योंकि महिला डॉक्टर्स के पास एक जो सिक्योर माहौल है। लेकिन मरीजों का सवाल है, अभी हम डॉक्टर विवेक लाल से बात कर रहे थे कि पीजीआई में ऑलरेडी जो माहौल है वो कह रहे सिक्योर है, लेकिन बात सवाल देश की भी है, आपको क्या लगता है? आफ्टर दिस इंसिडेंट वी डोंट नो, after this incident we don't know, it is also happened in hospital, so it can happen anywhere, that is why we all are scared, that is why we want central protection, jiske liye matlab hum sab dar gaye hain is jo bhi gang rape ke baad ya murder episode ke baad, hame ab kya hai, we are demanding for CPA, central protection act, taki jo bhi women hain all over the India they should be secured while working in the hospital। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि मरीजों का भी कहना है कि वो अगर देखो ओपीडी और जो हमारी इलेक्टिव ओटी है वो बंद है, बट इमरजेंसी सर्विसेज वो चल रही हैं, वी आर नॉट हैम्परिंग दैट, बट वी विल कंटिन्यू अवर स्ट्राइक टिल जस्टिस इज सर्व। आप देखिए कि कंटिन्यू रहेगी स्ट्राइक और जब तक सीपीए नहीं मिलता, और आप जो बैनर्स हैं हाथ में और जो ड्रेस पर अगर मैं आपको बात दिखाऊं कि आप इनके कोट्स देखिए किस तरह के, कल भी शॉर्ट्स थे कि जो धब्बे हैं रेड कलर के वो लगाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, माथे पर बैंडेज भी लगाई हुई है और ये रेजिडेंट डॉक्टर हैं पीजीआई के जो चंडीगढ़ पीजीआई से सेक्टर 17 चंडीगढ़ तक पैदल जो मार्च है प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं, डिमांड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है वो भी समझना जरूरी है। 2017 में इसकी मांग की गई थी कि जो एनवायरमेंट है डॉक्टर्स का और उनका, महिला डॉक्टर्स का, उनको सिक्योर एनवायरमेंट दिया जाए, ड्यूटी रूम्स में एक कैमरे लगे हों, ड्यूटी रूम्स में बराबर सिर्फ महिलाओं के लिए जो एंट्री हो वो उनके कार्ड के जरिए हो, और ये तमाम जो मांगे हैं सीपीए यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो यहां पर लिया जाए उसको लेकर भी काम बात है, उसको लेकर जो बात है वो एक अलग जो माहौल बनाने जो बात की गई है कि ताकि सिक्योर माहौल जो है वो बना जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि पीजीआई चंडीगढ़ देश का एक जाना माना संस्थान है, ये उन संस्थानों में से है जहां पर कोविड वैक्सीन की जब बना रहे थे, यहां चंडीगढ़ में वो टीम बनी थी, ये वो संस्थान है जहां पर पंजाब हरियाणा हिमाचल यूपी जम्मू कश्मीर दिल्ली तक के पेशेंट आते हैं, ये वो संस्थान है जो पिछले 50-60 साल से पूरे नॉर्थ इंडिया के मरीजों की देखभाल कर रहा है, बड़े से बड़े जटिल ऑपरेशन यहां पर होते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि मरीज जो हैं वो कहते हैं कि उन्हें दिक्कत क्यों, सवाल वही है कि लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें जो है सिक्योर माहौल दिया जाए, उन्हें जब तक सुरक्षित माहौल नहीं मिलता वो है। तो फैकल्टी के लोग भी यहां पर पहुंचे हैं, फैकल्टी है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप डॉक्टर्स देख रहे हैं ये वो लोग हैं और जिन्होंने पीजीआई के रिसर्च वर्क में अपना योगदान देते हैं। इनमें से कई डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर मधु गुप्ता की बात करें जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थी कोविड वैक्सीन की, डॉक्टर मधु गुप्ता लगातार आप भी देख रहे हैं, हम बात से बात भी कर रहे थे, सीपीए अब आकर बात सीपीए पर अट गई है।
तो देखिए, इसमें मैं ये कहूंगी कि सिर्फ सीपीए नहीं, पहले तो जस्टिस मिलना चाहिए। जिसके साथ बुरा हुआ, जिसके साथ हाइनेस क्राइम हुआ, उसके हथियारों को पहले सजा मिलनी चाहिए। सीपीए साथ के साथ इंश्योर करें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो ड्यूटी कर रहा है, जो डॉक्टर रात को अपनी उसी की जिम्मेवारी है क्या सब कुछ देखना, उनकी कौन हिफाजत करेगा। वी वॉन्ट इट एट अर्जेंटली, इट्स एन एमरजेंसी एंड वी वॉन्ट इट टू बी हैपनिंग जस्ट नाउ। दे हैव टू टेक इट जस्ट नाउ। मामला सीबीआई को दिया गया, सीबीआई वेट करता रहेगा। हमें सीबीआई चाहिए, पहले सीबीआई की रिपोर्ट की वेट नहीं कर सकते, हमें सीबीए एक्ट चाहिए जल्द से जल्द। इस एक्ट में ऐसा क्या है? इस एक्ट में प्रोटेक्शन मिलती है डॉक्टर को, कोई इस पे हाथ उठाए तो FIR करके वो लायबल होगा। लोगों में वो 6 घंटे वाला भी जो कल घंटे वाला उसमें आ चुका है, लेकिन वाले का क्या मतलब है? यू वॉन्ट दिस टू हैपन? आप गलतियां होने देना चाहते हो जिनको पता ही नहीं 6 घंटे के बाद क्या होना है? और लोगों में अवेयरनेस, जैसे तुम पुलिस ऑफिसर को हाथ नहीं लगा सकते ऑन ड्यूटी, डॉक्टर को भी हाथ नहीं लगा सकते, डॉक्टर को भी हाथ नहीं लगा सकते। वी वांट दैट प्रोटेक्शन नाउ नाउ नाउ, वी डोंट वांट टू वेट। अभी जो मरीजों की है, मैं डॉक्टर लाल से बात कर रहा था कि मरीज भी समझ, पब्लिक सपोर्ट आपको अभी मिली? पब्लिक सपोर्ट मिली है, पब्लिक सपोर्ट मिल रही है। पीपल आर कमिंग इन लार्ज नंबर टू सपोर्ट दिस कॉज। दिस इज अ बिगर कॉज, दिस इज जस्ट नॉट ए डॉक्टर, दिस इज अ गर्ल चाइल्ड ऑफ इंडिया, गर्ल चाइल्ड ऑफ इंडिया। उनको भी मतलब जजेस को प्रोटेक्शन होती है, बड़े से बड़े पोस्ट पे जो बैठे हैं उनको प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो डॉक्टर्स को क्यों नहीं? डॉक्टर्स को क्यों नहीं? इतने साल से पीजीआई में है, इस तरह का माहौल कभी लगा या अभी? कभी नहीं, मैं यही बात कर रही थी। मैं स्टूडेंट डेज में मैंने एक बार स्ट्राइक की थी, दैट वाज अबाउट 30 इयर्स अगो, एंड दिस टुडे इज द टाइम बिकॉज द कॉज इज बिग। जो कॉज है, जो ये घटना घटी है, उसने मेरा खून खोल दिया अंदर से। मतलब क्यों कर रहे हैं हम ये, क्यों कर रहे हैं? हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों ये ऐसा हो रहा है? बेटियां नहीं, हम सुरक्षित क्यों नहीं है? सड़क पे जाना मुश्किल, बाहर निकलना मुश्किल, काम पे जाना भी मुश्किल, बचा के आए फिर? बिल्कुल। तो सीपीए की मांग को लेकर जो है कहानी है कि सीपीए, जिस तरह से अगर पुलिस वाले की बात की जाए, जिस तरह से बाकी लोगों की बात की जाए, जुडिशरी को प्रोटेक्शन है, तो आखिर डॉक्टर्स का क्यों नहीं? ये कहना है डॉक्टर्स का। इस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो चंडीगढ़ पीजीआई से लेकर सेक्टर 17 प्लाजा, कम से कम 8 से 9 किलोमीटर लंबा ये प्रोटेस्ट है। आप पीजीआई के डॉक्टर्स को आप इस समय सड़क पर देख रहे हैं, जिनके हाथों में, जो कभी ओपीडी में, ऑपरेशन थिएटर में आपको देखते थे, आज वो सड़कों पर हैं। और मांग एक है कि सीपीए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लगाया, वो किया जाए, क्योंकि 2017 से ये मांग थी। लेकिन अब जब ये बंगाल में, जो कोलकाता में हुआ, उसके बाद से आक्रोश जो है वो देखा जा सकता है। उसके बाद से लगातार डॉक्टर्स जो हैं वो अपने प्रोटेक्शन को लेकर अब खुलेआम सड़कों पर आ गए हैं। आप इनके हाथों में बैनर्स देखिए, तख्तियां देखिए, बैंडेज देखिए, वो काले धब्बे देखिए जो रेड कलर के धब्बे हैं, ब्लैक बैंडेज हैं। तो तमाम जो मांग की जा रही है वो, उसको लेकर आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। पूरा एक बड़ा गैदरिंग है, अगर मैं कहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्टों के हुजूम दिखाइए, पीजीआई के डॉक्टर्स का हुजूम देखिए। मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं, जो कभी ओपीडी में, ऑपरेशन थिएटर में, लैब में दिखते थे, आज वो सड़कों पर हैं। पूरे देश में उबाल, गुस्से का उबाल उमड़ पड़ा है। जो डॉक्टर प्रोफेसर अपने ऑफिस में, डॉक्टर्स बैठकर, रेजिडेंट डॉक्टर की बात करें, रेजिडेंट डॉक्टर हैं ये लोग जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो स्टूडेंट हैं एमबीबीएस के जो डॉक्टरी सीख रहे हैं, अभी जब बन रहे हैं, फ्यूचर के डॉक्टर बन रहे हैं। आज इनका गुस्सा पूरे उबाल पर है और सवाल है कि जस्टिस के सीपीए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जिस तरह से अगर आप पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठा सकते, आप किसी जुडिशरी अफसर पर हाथ नहीं उठा सकते, वो प्रोटेक्टेड हैं, तो डॉक्टर क्यों नहीं? ये इनका सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि देश भर की जो इस समय तस्वीरें हैं प्रोटेस्ट की, वो आपको नजर आ रही होंगी। गुस्सा है अंदर, आक्रोश है। महिला डॉक्टर की बात करें खासकर, उनके अंदर जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो नजर आ रहा है इस समय। और चंडीगढ़ की सड़कें भी इस समय जो है पीजीआई से लेकर सेक्टर 17 तक पूरा ये लंबा मार्च निकालकर अपनी मांग और जगाने के लिए। बीच बीच में सवाल ये उठता था कि मरीज कहां जाएंगे, मरीजों का क्या होगा, लेकिन इमरजेंसी और ट्रॉमा सेवाएं लगातार जारी हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि इलाज भी तभी होगा जब डॉक्टर सेफ फील करेगा, मरीजों का इलाज भी तभी कर पाएगा। और कई लोग अब सामने आ गए हैं, ये कहना है डॉक्टर्स का कि मरीज भी अब समझ रहे हैं कि वाकई हम स्ट्राइक पर क्यों हैं, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है। और कई डॉक्टरों से बात की, उन्होंने कहा कि हम कोई अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कोई अपनी कोई प्रमोशन के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं।
और यही स्लोगन इस समय हर एक जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं और जो फैकल्टी के लोग हैं उनके हाथ में आपको नजर आ रहे होंगे। सेक्टर 17 की तरफ ये मार्च बढ़ता हुआ, हाथों में बैनर तख्तियां लेके ब्लैक जो रिबन है वो और बांधा हुआ है रेड रिबन, वो चीज है बंगाल की इस घटना ने। अगर बात करें कि पूरे देश के डॉक्टर्स को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया तो गलत नहीं होगा। और लगातार जो प्रोटेस्ट है वो यहां पर चल रहा है।